हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत का जश्न मनाने वालों को नसीरुद्दीन शाह की ये नसीहत जरूर सुननी चाहिए। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। उनका ये बयान जरूर समझना चाहिए कि जिस तालिबान की जीत का, जिस तालिबान की बर्बरता का वो जश्न मना रहे हैं, वो कितना खतरनाक है, कितना वहशी है। फिर चाहे वो शायर मुनव्वर राणा हो, ये सपा सांसद शफीकुर रहमान या फिर मौलाना सज्जाद। देश को आजाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को पांव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी, तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते, अपने तौर पर चलाना चाहते। नसीरुद्दीन शाह ने आज तालिबान की जीत पर खुशी जाहिर करने वालों की निंदा करते हुए कड़ी नसीहत दी। शाह ने एक वीडियो जारी कर कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को खुद से पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि वो अपने धर्म में रिफॉर्म चाहते हैं या सदियों पुराना वहशीपन। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इकदार, वैल्यूज। शाह ने साफ कहा कि हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है, और खुदा वो वक्त ना लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी ना सकें। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियाँ से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है, और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें।